जिला कलेक्टर ने बृहस्पति भवन में कहा, गुड़ी पड़वा पर मनाया जाएगा उज्जैन का जन्मदिन, सीएम करेंगे दो बड़े उद्योगों का भूमि पूजन। प्रदेश सरकार शहर के प्रत्येक शहरों का जन्मदिन मना रही है। इसी क्रम में गुड़ी पड़वा पर्व पर धर्म नगरी उज्जैन का जन्मदिन मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को बृहस्पति भवन में जानकारी देते हुए बताया कि गुड़ी पड़वा पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचेंगे। यहां शहर का जन्मदिन मनाने के साथ ही शहर को दो उद्योगों की सौगात भी देंगे। यहां कर्नाटक एंटीबायोटिक प्लांट और प्रतिभा सिंटेक्स प्लांट का भूमि पूजन किया जाएगा। दोनों उद्योगों में करीब 8,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। शहर को अब धार्मिक पर्यटन के अलावा औद्योगिक नगरी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। देखिए, उज्जैन का जन्मदिन 2 अप्रैल जो गुड़ी पड़वा के दिन इस बार पड़ रहा है, उस दिन मनाने का निर्धारित किया गया है। और अच्छी बात यह है कि विक्रमोत्सव जो कार्यक्रम है उसका समापन वो भी उसी दिन होगा। कैलाश खेर के द्वारा उस दिन प्रस्तुति भी दी जानी है। इसके अलावा दो बहुत ही अच्छी सौगातें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 तारीख को दी जाने वाली हैं, जो उनकी मेहनत से कर्नाटक एंटीबायोटिक्स का और प्रतिभा सिंटेक्स का दो बहुत बड़े प्लांट उज्जैन को मिल रहे हैं। 2 तारीख को दोनों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। और राज्य शासन जिस तरीके से उज्जैन के विकास के लिए लगी है, चाहे वो धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र हो जिसमें 750 करोड़ का महाकाल विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट हो, अभी जो दीपोत्सव मनाने की सीएम साहब की मंशा और घोषणा रही हो जो हम लोगों ने करी, इसके साथ साथ अब हम लोग जो धार्मिक पर्यटन है उनको बढ़ाने के साथ साथ औद्योगिक दृष्टि से भी उज्जैन को विकसित करें और यहाँ के सभी लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है इंडस्ट्री के जरिए भी फले फूले, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। मुझे लगता है जन्म दिवस के दिन दो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का जो उनके द्वारा भूमि पूजन किया जा रहा है, जिससे हजारों लोगों को, अकेले प्रतिभा सिंटेक्स कम से कम 3,000 लोगों को रोजगार देगा, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स इससे भी ज्यादा लोगों को रोजगार देगा, और उसके साथ साथ दूसरी यहाँ पर कई सारी यूनिट जो आएंगी। मुझे लगता है उज्जैन के जन्म दिवस से अधिक कोई उचित इसके लिए दिवस नहीं हो सकता था जिस दिन उनका भूमि पूजन किया जाए। इसके लिए मैं सभी उज्जैनवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। और निश्चित रूप से जो जन्म दिवस का फैसला हुआ है, हम ही लोगों ने बैठकर किया है, उज्जैन की जनता ने किया है, हम लोग और भी कई सारी चीजें उस दिन इंट्रोड्यूस करेंगे। मेरा मानना है कि न केवल हम लोग ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है, इसके अलावा भी प्लांटेशन से संबंधित चीजें हों या फिर जो उज्जैन में उत्पाद बनते हैं हमारे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड या खाद्य से रिलेटेड, उनका भी हम लोग प्रचार प्रसार करें जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को फायदा हो। तो कुल मिलाकर उज्जैन की ब्रांडिंग भी हो, यहाँ की अर्थव्यवस्था को फायदा भी हो, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, ऐसा जन्मदिवस हम लोग मनाने का प्लान करते हैं।